अज सिख नूं समझा रहे ने सतगुरु, अज मैनू तुहानू सारिआं नूं समझा रहे ने सतगुरु। रहाओ दीआं पंगतियां ने ते कहिंदे ऐसी प्रीत करो मन मेरे, किदां दी प्रीत करेगा, किदां दी प्रीत करेगा, किदां दा प्रेम करेगा। कहिंदे आठ पहर प्रभ जानो नेरे, अठे पैर, अठे पैर। एक पल भी तेरे तो विसरे ना तेरा स्वामी, अठे पैर। सिमरन की डेफिनेशन ही याद है, याद। कदे बच्चे विसरे ने सानू, कदे बच्चियां दा नाम असी माला पकड़ के जपिया है, उन्हां नूं रिवाइज कीता है, कदे कदे लोड़ पई है कि मैं बच्चियां दा नाम भुल गया, चलो माला चक्कां ते मैं अपने बच्चियां दा नाम रिवाइज करां, याद करां। नहीं, चेते दा हिस्सा बन गए ने, वो सिमरन विच चले गए ने, सिमरन चल रहा उन्हां दा। सिमरन मतलब याद। कदे माला पकड़ के ये चीज चेते कीती है, मैं दुकान खोलनी है, मैं दुकान खोलनी है, मैं दुकान खोलनी है, मैं ऑफिस च जाना है, मैं ऑफिस च जाना है, माला पकड़ के कीता है सिमरन। कदे कदे इस चीज नूं याद रखण दी लोड़ पई है कि मैं दुकान खोलनी है, या इस चीज दी याद रखण दी लोड़ पई है कि मैं ऑफिस च जाना है। नहीं, चेते हुंदा है, सिमरन चल रहा उहदा, याद बनी हुई है। एक वाहिगुरु जी का नाम ही है जिन्हों याद करने वास्ते माला पकड़नी पैंदी है, जोर लाना पैंदा है, आ क्लासरूम च आना पैंदा है, आ सतसंगत रूपी क्लासरूम च। सतसंगत सतगुरु च टसाल है, जित हर गुण सिखा, ये चटसाल च आना पैंदा। कहिंदे तू जिथे बैठा होवे तेरी क्लासरूम उत्थे ही, तेरे क्लास उत्थे ही हो, हर वेले तू याद च होवे। माला तां शुरुआती काम है, पकड़नी है माला जरूर पकड़ो, पर सारी जिंदगी माला ते रवांगे। हुण इन्नी माला जपी, इन्नी माला जपी कि वह जपद्या जपद्या वह जड़ा जाप सी वो रसना ते आ गया। हुण कई वारी ऐसा होया कि माला तां किधरे रह गई रह गई, आ जड़ा सिमरन है ना ये जबान ते चली जांदा है, चली जांदा, चली जांदा। माला जपनी तां किधरे मैं भुल गया, माला फेरनी तां भुल गया, पर इन्ना अभ्यास हुण जवान चली जाती है, हुण सुरत विच वाहिगुरु नाम चली जाता है। ते एक जुगत साहिब ने दिती है, कहिंदे आठ पहर प्रभ जानो नेरे, नेड़े करके जानी वाहिगुरु नूं। जदों नेड़े करके जानेगा उहदे अदब च रहेगा, उहदे भाव च रहेगा। उदे प्यार च रहेगा, जदों पता होवे ना मैनूं उह देखदा पिया है, आखो सतनाम, जदों पता होवे मैनूं कोई वेखदा पिया है, फिर पुठियां सीधियां हरकतां बंदा घट करदा है। पता है कैमरे च मैं आ रहा, कल ये चीज खुल जाएगी, फिर और पंगा पएगा, फिर सीधा होके तुरदा है। ते जदों ये चीज़ एहसास होगी ना मैनू, ये चीज़ एहसास होगी सानू सारिआं नू कि अठे पैर मैं हजूरी दे विच हाँ, हजूर दी हजूरी दे विच हाँ, यकीन जाणियो माड़े काम कर ही नहीं सकांगे, सच निंदिया कर ही नहीं सकांगे। हजूर वेख रहे ने,
माड़ा फुरना बनेगा ही नहीं, हजूर देख रहे ने। माड़ी सोच आएगी नहीं, हजूर वेखते पे ने। जे प्यार करना ही साहब कहते फिर ए पौड़ी तक पहुंची। आठ पहर प्रभ जनो ने फिर आरंभ करद साहब कहते कहते मन मैं सिंचो हर हर नाम। सिंच सिंच वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। यही करना बस, इन्ना को काम ही है, इन्ना को काम ही है। जिथे बैठे हैं बस रसना ते वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। इन्ना को काम है ते यही काम साढ़े को होता नहीं। किन्ना को औखा काम है जी, किन्ना को जोर लगा, किन्नी को ताकत लगी, किन्ने को पसीने निकले। हाँ जी, इन्ना को काम साढ़े को नहीं होता। और इस तो ऊपर महाराज ने काम करने लिए नहीं किया, बस इन्ना ही कर ले साहब कहते, बस इन्ना ही काम करना है तू, होर कोई काम नहीं तेरे लिए, होर कोई काम नहीं। गड्डी से सफर कर रहे हैं, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। फ्लाइट च बैठे, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। ट्रेन च बैठे, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। बस च बैठे, वाहेगुरु वाहेगुरु। कल्ला बैठे, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। कितना को औखा काम है, पर सारी जिंदगी लंघ गई सात संगत जी, सारी जिंदगी लंघ गई। ये शब्द का अभ्यास ही नहीं कर सके, वाहिगुरु शब्द का अभ्यास ही नहीं कर सके। हुण करिए, हुण करिए। आगे समझ चलो नंद लाला, पाछे जो बीती सो बीती। अजू समझ कछ बिगड़े ना हिन, हले भी कुछ नहीं बिगड़े साहब कहते हैं। जो विगड़ गया फिर संभल नहीं सकेगा, जो विगड़ गया फिर संभल नहीं सकेगा। हाले विगड़िया नहीं ना, संभल जा, संभल जा। कहते मन मैं सिंचो हर हर नाम। अन दिन अन रात दिन दिन में कहते अन दिन कीर्तन उदी कीर्ति कर। हुण कीर्तन रात दिन बाजा चुक के थोड़ा बजाते रहेंगे, रात दिन तबला थोड़ी ना कुटी जावे, ढोलकिया थोड़े साथ संग। कीर्तन उदी कीर्ति, जो तुसी बैठे हो दो बीबियां चार बीबियां बैठिया, वो परमेश्वर की बात शुरू होगी, ये कीर्तन है, ये कीर्ति है। कोई उदी इबादत वाली गल शुरू होगी जिद च उदी याद है, वाहेगुरु जी की याद है, ये कीर्ति है। उदी सिफत सलाह की गल शुरू होगी, ये कीर्ति है। कहते अन दिन कीर्तन हर गुण गाम, हरी दे गुणा नू गा, हरी दे गुणा नू बोल, सिफत सलाह च बह। प्रीत तक पहुंचण लई सानू ये चीजां सहायक होणगियां। साहिब कहिंदे आठ पहर तक तू तां पहुंचेगा, आठ पहर तक तू तां पहुंचेगा कि जिथे बैठा तू वाहेगुरु 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 वाहेगुरु। मन में सिंचो हर हर ते अन दिन कीर्तन, जिथे बैठे गाली प्रभु दी कर रहे हैं, गाली हरी दी कर रहे हैं, ते कहंदे होली होली आठ पहर तक आ जाएगा। हुण अगलिया पंक्तियां च महाराज कहंदे बाग कमाला सुनियो जी, कहंदे कहो नानक जाके निर्मल पाक। आ लो जी,
ਜਿਵੇਂ 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 ਭਜਨ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਭਜਨ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਭੁਗਤਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਢੰਗ ਦਾਸ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੱਸ, ਦੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨੇ, ਦੋ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਭੋਗ ਕੇ, ਜਾਂ ਭੋਗ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹ ਕਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਦੋ ਹੀ ਢੰਗ ਨੇ ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਜਪਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਠਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਭਜਨ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਭੋਗਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦਾ, ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ। ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਉਣਾ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭੋਗਣਾ, ਉਹ 2 ਸਾਲ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਰੋਣਾ, ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਕਲਪਣਾ, ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੌੜੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਨਾ ਭੈਣ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਯੂਨਿਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਧਰ ਸੀ, ਆਫਿਸ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਸੰਗਤੀ ਸੀਗੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਮੇਲਿਆ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਿਆ, ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਦਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਨੀਚੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਵੂਈ ਲਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਪੀ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਂ। ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਸਹਾਨੁਭੂਤੀ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ, ਮਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ, ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ ਪੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਾਸੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸ ਬੀਬੀ, ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਮਰ ਕੇ ਹੱਲ ਹੈ? ਕਰਮ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਗਧੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੂਨ 'ਚ ਭੋਗੇਗੀ ਤੂੰ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲਦ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ, ਐਡਾ ਐਡਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਾਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਠੁੰਗ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਮ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਭੈਣੇ, ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰੀਰ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਕਿੱਸਾ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਖੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ ਅਗਲੇ ਜੂਨ 'ਚ। ਅਗਲਾ ਜੂਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਛੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਰਮ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਭੋਗਣੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜੋ ਕੱਟਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਟ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕੱਟਣ ਦਾ, ਭਜਨ। ਆਖੋ ਸਾਧਨਾ, ਸਿਮਰਨ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਬਸ,
ਕਰਮ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਢੰਗ ਨੇ, ਇੱਕ ਭੋਗ ਕੇ ਇੱਕ ਜਪ ਕੇ। ਹੁਣ ਚੋਇਸ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਭੋਗਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾਪਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਾਗਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੋਗਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀ। ਭੋਗਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਰੀਂ ਰੀਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੋਗਣਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਖਾਪਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਔਖਾਪਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਰਾਤੀ 12 ਸੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਰਾਤੀ 12:30 ਸੁੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ 11 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ 9 ਵਜੇ ਸੁੱਤਾ। ਨੀਂਦ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੌਖੇ ਜਾਗਿਓ? ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਨ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਸੌਖੇ ਜਾਗਿਓ? ਪਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਭੁਪਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਬਾ ਜੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਟਰੱਸਟੀ ਨੇ, ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ, ਕੱਲ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਦਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਠਾਏ, ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਤਿਆਰ ਹੋਏ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ, 1.25 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਔਖਿਆਈ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਔਖਿਆਈ ਇਹ ਚੱਲ ਲਓ, ਇਹ ਚੱਲ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਸਭਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਖਤਮ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ। ਆਹ ਰਾਤ ਇੱਕ ਬਹਿਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਕਈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੱਟੀ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਭਾਗ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਚਰਣੀ ਤਾਂ ਕਾ ਮਨ ਲਾਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਆ ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਵ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ? ਦਾਸ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਚਾਉ ਹੈ, ਉਮੰਗ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ।
तहो नानक जाके निर्मल भाग किन्हां दे कहिंदे हर चरणी ताका मन लाग मन लग गया ना सो के विखाओ हुण आगो सत ना सो के विखाओ सो ही नहीं सकोगे अमृत वेले सो ही नहीं सकोगे जिस दिन सो जाओगे सारा दिन कल्पदे रहोगे सारा दिन कल्पदे रहोगे कि अज दा मेरा अमृत वेला क्यों खोखा ते पै गया अज दा मेरा अमृत वेला क्यों खोखा ते पै गया सारा दिन कल्पदे रहांगे सो ही नहीं सकोगे तुसी जी बस ऐ अरदास करिए कि सच्चे पातशाह हुण जगाया ही रहिंदे स्वासां तक जद तक मेरे स्वास ने जद तक मेरी उम्र है जिन्ने अमृत वेले महाराज मेरे जीवन च आण तुहाडी गोदी च बह के भजन करदे आ बतीत होण अरदास करियो कौ नानक जाके निर्मल भाग उन्हां दे निर्मल भाग बनदे ने उन्हां दे भाग निर्मल बनदे ने उन्हां दे करम निर्मल बनदे ने उज्ज्वल बनदे ने खेड़े वाले बनदे ने सुख वाले बनदे ने आनंद वाले बनदे ने सहज वाले बनदे ने भाग उन्हां दे किते नहीं महाराज ने कहा बई उन्हां दे बनदे जिन्हां कोल करोड़ां रुपईए उन्हां दे बनदे बई जिन्हां कोल रुतबे बड़े मैल माड़ियां बड़ियां ना निर्मल भाग केवल तो केवल उदों बनणगे जदों हर चरणी ताका मन ला बस इक्को ही ऑप्शन है निर्मल भाग बनाण दी करम मांजण दी इक्को ही ऑप्शन है काले लेख मिटाण दी इक्को ही ऑप्शन है आ पिछले दिनां च दास ने कहा सी 5 करोड़ रुपया कमा लो 5 करोड़ रुपया कमा के किसी नूं कहो ले ले 5 करोड़ मेरे माड़े कर्म मांज दे आखो सतनाम मेरे मत्थे दे माड़े कर्म मेट दे नहीं मेट सके जड़ी मर्जी हट्टी ते चले जाओ जड़े मर्जी डॉक्टर कोल चले जाओ जड़े मर्जी हकीम वैद कोल चले जाओ जड़े मर्जी दुकानदार कोल चले जाओ जड़े मर्जी व्यापारी कोल चले जाओ उन्हूं कहो ये माया ले ले मेरे कर्म मांज दे आण वाला दुख मेरा दूर कर दे काले लेख मेरे दूर कर दे नहीं कर सकेगा नहीं कर सकेगा तो की कमाया जी की कमाया जे मैं अपने दुखी ना जे मैं अपने कर्म ही ना मांज सकिया जे मैं अपने भाग्य ही ना सही कर सकिया की कमाया हां तुसी सारा दिन भावे दुनियावी धन कमाओ आ अमृत वेला 2.5 घंटे गुरु नानक नूं दे दिओ आ जिहड़ा नाम धन कमा रहे हो यह कर्म मांज के जा रहे हो आखो सतनाम एक कर्म मांझ के जा रहे ताते आ चीज समझ लगी महाराज कहिंदे ने अखीर जिहड़ी गल कीती है कहिंदे कहो नानक जाके निर्मल भाग जे अपने भाग निर्मल करना चाहना इथे आके महाराज ने समाप्ति कीती है कहिंदे कहो नानक जाके निर्मल भाग जे अपने निर्मल भाग जे भाग निर्मल करना चाहना है हर चरणी ताका मन ला हरी दे चरणा दे नाल गंढ लै अमृत वेला गंढ लै भजन सिमरन बंदगी गंढ लै इहदे नाल गंढी जावे साडी और ऐसी गंढी जावे ये नहीं किया 2 दिन किया तो 1 दिन छुट्टी 1 दिन किया 4 दिन छुट्टी आ मैनू अज भी याद है सत्संग मुंबई दास गया ना मेरा भरा उत्थे रहिंदा वो कुदरती मैनू कहिंदा वीर जी आओ चलीए थोड़ा जिहा घूम के आने हल्का जिहा गड्डी च मैं लै गया तो घूमदा फेरियां पता नहीं कितने कितने लै गया दिल दियां गल्लां खोलन लगा वो मैनू कहिंदा वीर जी गल करनी तुहाडे नाल मैं कहा दसो कहिंदे जदों चलो मैं डर के कह रहा वाहिगुरू हौमे तो बचा लैण खाली गल मात्र गल की करन लगा कहते जो मैं थोड़े तो नाल रहना कीर्तन सुनना कहते मैं मैं ये अनुभव आता कि दुनिया ही यही है कहने इन्ना उस वेले प्रभाव होंदा है कहते मेरा मन करता है मैं अमृत वेले उठा मैं नाम जपा मैं बंदगी कर ते मैं कह फिर कह जब तुम चले जाते हो 2 दिन असर रहा मुड़ के फिर उदा तो उदा मैं कह संगत संगत बस होर कुछ नहीं
संगत जैसी संगत तैसी रंगत। चार दिन तू एक संघ दे विच रहा जिथे नाम ही नाम है, तेरा मन नाम कबूलिया, प्रभाव कबूलिया। फिर उस तो बाद दूसरी संगत मिली ते ओ खत्म होगी खेड। आ लंडन गए हैं जी, साडा बच्चा उत्थे जगतार सिंह जी का, वरुण दीप बड़ा प्यारा बच्चा जी, वो गड्डी लै लैके फिर सारे पासे तोरी रखता है। दोनों प्यो पुत्र साध संगत गड्डिया कढ़ के जिथे भी गए हैं, बर्मिंगम अपना मैनचेस्टर होर कितने भी, 10 दिन उन्होंने फिर छुट्टी लै ली काम तो, बड़ी वड्डी बात होंदी। वो बच्चे ने मैनू दिल की गल खोली, सेम यही गल कहिंदे जी जब तुसीं आउंदे फिर अमृत वेला भी, नितनेम भी, बाणी भी पढ़न का मन करता है, फिर जब तुसीं चले जाते तो मैं क्या हूँ या तो मैं उधर पक्का डेरा ला ला या तू इधर पक्का डेरा ला ला, आखो सतनाम, यही हाल है और की है। मैं क्या एक तीजा हल भी है, हर वेले तू जदों कीर्तन दे विच रहेगा, भजन च रहेगा, इको चीज़ ही सुनता चला जाएगा, मन असर कबूलता है, आखो सतनाम, असर कबूलता है। मैं तुम्हें शायद एक गल दसी सी कि बहुत मेरे मन ते साध संगत, बहुत मेरे मन ते प्रभाव पिया साध संगत जदों मैं धन धन बाबा सुजान सिंह जी ने सुनिया जी, धन धन बाबा सुजान सिंह जी ने सुनिया। पहले जदों मैं बाबा नंद सिंह जी ने पढ़िया उदों मैनू बहुत कुछ मिलिया, बहुत कुछ मिले, पर पढ़न तो बाद जदों मैं महापुरखों नू सुनिया बाबा सुजान सिंह जी ने, वो बाबा नंद सिंह जी के उपाशक, बड़ा कुछ, बड़िया पौड़ियाँ मैं मिलिया, बड़ा कुछ सीखण नू मिलिया, बड़े अंदर झात मारन नू मिलिया, बड़ा कुछ अपने आप दे नाल मतलब परिचय होया मेरा कि मैं कित्थे खड़ा। संगत भावें टेप तो कर लो, मैं उन्हों कहा मैं कह ला लिया कर टेपा, जे तैन लगता है कि दास दे कीर्तन करके तेरा मन की लिया जन्म है, फिर कीर्तन च ही रहे, फिर हर वेले कीर्तन तेरी गड्डी च टेप वजदी रहे, घर आवे टेप वजदी रहे, बचन कोई ना कोई कन्ना जे पैंदा रहे गल बन जाएगी, आखो सतनाम। गुरु नानक साहब कृपा करन, मेहर करन, ते कहिंदे जे भाग निर्मल करना चाहना है हर चरणी तां का मन लग जावे, हरी दे चरणा दे नाल मन जुड़ जावे, और कैसा जुड़े, कैसा जुड़े जी, कि तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंचत नहीं, आखो साधना खिंचत नहीं। ऐसी माधो खिंचत नहीं, इदां दी खिच साडी गुरु चरणा दे नाल पवे।